भाजपा को वोट देकर जफर अली का परिवार संकट में आ गया है। कांग्रेस के समर्थक कुछ एक ग्रामीणों ने मस्जिद में भाजपा को वोट देने के कारण खुले आम जफर अली को और उसके परिवार को मस्जिद में जाने से मना कर दिया है। इसी के साथ उनको नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी है। इस संदर्भ में पीड़ित जफर अली ने असम में 8 नंबर मंगलदे लोकसभा क्षेत्र के दलगांव थाने में एक मामला दर्ज कराया है। इस घटना के कारण पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में जफर अली ने मीडिया से बात की और कहा, 18 अप्रैल को हुए मतदान में उसने बीजेपी को वोट किया और इसके बाद जब वह शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, नमाज के समय मुशरफ अली ने हदीस का वाचन किया। इसके बाद मुशरफ अली ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है और जो भी बीजेपी को वोट दे रहा है उसे मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। इसके पश्चात जफर अली खड़ा हुआ और बोला कि हमने तो बीजेपी को ही वोट किया है। ऐसा कहने पर नमाज पढ़े बिना ही मस्जिद से जफर अली को निकाल दिया गया। कुछ देर तो जफर अली खड़ा रहा, लेकिन कुछ एक लोग मस्जिद से बाहर आए और गेट आउट करते हुए जफर अली की ओर बढ़े। जफर अली डर के मारे भागा और मस्जिद से दलगांव थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई। जफर के पुत्र मुस्तफा कमाल ने कहा कि जब पिताजी मस्जिद में नमाज पढ़ने को गए तो मुशरफ अली बयान दे रहा था कि जो भी बीजेपी को वोट दिया है वह सच्चा मुसलमान नहीं है और वह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ सकता। अब प्रश्न ये है कि मुसलमानों को बीजेपी को वोट देना क्या अपराध हो गया है या फिर लोगों का निजी स्वार्थ है? क्या चुनाव में धार्मिक स्थिति का सहारा लिया जा रहा है? इन सब के बीच पुलिस का रवैया अभी तक साफ नहीं हुआ है। इस घटना को लेकर पीड़ित का परिवार बहुत ही बुरी तरीके से डरा हुआ है। इसके कारण वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। हालांकि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में सिर्फ मस्जिद में चर्चा ही हुई थी, लेकिन किसी को भी नमाज पढ़ने और मस्जिद में प्रवेश करने से नहीं रोका गया। इसी के साथ कुछ एक लोगों का कहना है कि जफर अली झूठी शोहरत पाने के लिए नौटंकी कर रहा है। यह पुलिस की जांच का विषय है जिसमें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है।